हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं? आशा करते ठीक ही होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ है, शाम टाइम मतलब दोपहर का टाइम है। तो अभी हम आए हुए थे पूजा के घर, तो यहीं दरवाजे बैठे हैं, तो हम सोचे चलो ब्लॉग बनाते हैं। तुम का दिखाई दी? ये देखो रूबी खड़ी हैं, पूजा पूजा की अम्मा सब लोग बैठे हैं, पीपल नीचे हैं। और मुँह कहा जाते देख सकते हो आप लोग कहाँ पर बैठे हैं। तो अभी चलेंगे बंगले तरफ, तो आप लोगों को वहाँ दिखाते हैं मक्का का। देखो आज फिर जाएंगे अभी फिंगर खाने, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, फिंगर जरूर खाने जाएंगे। तो वहीं आप लोगों दिखाते हैं आज काका टिक्की है, बतासा है, काका है वहाँ। उस दिन गए थे, उस दिन तो अच्छे से खा नहीं पाए थे, भाग आए थे, लेके आए थे रास्ते में, तो उतना खाने में मज़ा नहीं आया था। हाय गाइस, तो अभी हम खेत पे आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे मक्का वगैरह है और कितनी जंगल एरिया है, आप लोग देख सकते हैं ये सब जंगल जंगल, टोटल जंगल। पहले तो सोचा था उधर जाएंगे काफ़ी दूर तक की घूमने, पर कोई है नहीं साथ में, उसकी वजह से जंगल टाइप से है, चारों बिद्दी मक्का वगैरह है, तो नहीं जाएंगे। कहीं बंदर अंदर निकल रहा है मक्के से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी बारिश हुई थी 21 या 22 को, उसके बाद में फिर मौसम सही होने लगा था और अभी फिर वैसे ही, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। आज तो बहुत ही ज़्यादा है, सिलसिलापन है, ना तो सही से पसीना निकल रहा है ना तो मौसम ठंडा ही है, दोनों चीज़ें मतलब सिलसिलापन है। पीछे देख सकते हैं वो दादाजी घास लेके आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप लोगों को जूम करके दिखा रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, समझ ही गए होंगे हम कहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर का रोड दिखाते हैं आप लोग, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस टाइम हम कहाँ बैठे हुए हैं। चलिए हम ही बता देते हैं, बंगले पे हैं, ये इधर जानवर वैसे चारा खा रही हैं, अभी कीचड़ वगैरह सूख गया है जानवरों के पास, तो और थोड़ा सूख जाए फिर उसके बाद में बराबर कर दें पूरा लेवल से, क्योंकि खुद सूखे में रहो जानवर गीले में सही नहीं रहता। अरे बोला था उनसे जेसीबी वाले भैया से, कहा था भराव डलवाना है, तो वो कह रहे थे डलवा देंगे, तब तक बारिश शुरू हो गई, तो जेसीबी चली गई बांगर में। अब उसके बाद में देखो बारिश वारिश बंद होती है उसके बाद में आएगी, तभी यहाँ भराव पड़ पाएगा, बराबर हो जाए उसके बाद में ईंट वगैरह बिछा दें पूरा, फिर नहीं कीचड़ होगा, जानवरों को भी आराम हो जाएगा, हम लोगों को भी आराम हो जाएगा। तो हाय गाइस, अभी हम चलते हैं खेत की ओर, देखते हैं खेत में क्या क्या है। मक्का तो है, घुइयां वगैरह देखते हैं लौकी वोकी लगी भी है या नहीं। तो अभी हम आ चुके हैं जंगल एरिया, ये देखिए कितना जंगल है, सब जंगली जंगल, सब हरा भरा है भाई मनोरंजन का, ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, मतलब खेत पे घूमने का मजा ही कुछ और होता है। जो लोग शहर में रहते हैं वो पता एक रूम में बंद रहते हैं बेचारे, बस कभी कभी जब भी निकल पाते हैं गांव वगैरह आना होता है बड़ा खुश हो जाते हैं। यहाँ तो खेत पे जब जाना पड़ता है तो रोना आता है, क्योंकि खेत पे जाना पड़ता है तो काम करने के लिए जाना पड़ता है, ऐसे तो कोई कहता नहीं खेत पे जाओ। ये देख सकते हैं आप लोग घुइयां हैं, इधर अच्छी नहीं चली थी, इधर लौकी के पेड़ हैं, उधर चाचा की मक्का है और सूर्य उदय होने वाला, मतलब सूर्य मुंदने वाला है, मतलब सूर्य अस्त होने वाला है, भूल गए थे, कंफ्यूज हो गए थे अस्त और उदय में,
तो सॉरी कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। ये देखिए नींबू अब जो है पकने लगे हैं नींबू, ये देखिए अब पीले पीले होने लगे हैं, अभी ये पक जाएंगे कुछ दिनों में। अरे जब तक भुट्टा चबाने वाले होंगे, भुट्टे पर लगा के खाने वाले, तब तक ये पक जाएंगे। और अब ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, 10-12 लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो अभी भुट्टा उट्टा खाने भर के हैं बस, ज़्यादा नहीं। देखो पीछे का सीन कितना अच्छा, मतलब कितना खूबसूरत लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ये देखिए पास से आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। कांटे ना चुभ जाएं सिर में। तो अभी आप लोग देख सकते हैं नई नई पत्ती निकली है, नई नई नींबू में, तो उसकी वजह से और भी खूबसूरत नींबू का पेड़ लग रहा है। मस्ती आ रही नींबू के पेड़ को देख के। ये देख सकते हैं सब नई नई पत्ती निकल रही है, तो उसकी वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इधर चारा जानवरों, उधर मक्का, इधर हम फिलहाल तो इंसानी है, तो भी चलते हैं क्योंकि शाम होने वाली है, दिन मुंदने वाला है। ये देखिए लौकी का जो नार है वो टीन पे बौड़ा हुआ है, शायद लौकी लगी है इसमें एक दो, छोटी छोटी हैं अभी, खाने वाली नहीं है ना, इसी वजह से। तो चलते हैं अभी, चारा भी खाने पड़ा हुआ है। वैसा बहुत जोर मारन दौरे तुमका। तो अभी आ चुके फिर उसी जगह पे बैठ गए। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, यानी कि कल। कल आप लोग देख सकते हैं जहाँ तक, क्योंकि रक्षाबंधन है 2 दिन का, तो हो सकता कल भी हो और परसों भी, क्योंकि परसों भी है, कुछ लोग परसों मनाएंगे, कुछ लोग कल मनाएंगे, तो देखते हैं। हमारे यहाँ कम मनाया जाता है, तो आप लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देख सकते हैं, यानी कि कल वाले ब्लॉग में, और कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखें। ओके बाय।